ଆଜିର ଶିଶୁ ତଥା ଯୁବପିଢ଼ି ହାତରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ଲକଚେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ। ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଓଡ଼ିଶା ନବରଙ୍ଗପୁରର ବନିତା ଦାସ। ଭାରତ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନୂଆ ଇତିହାସ। ଏପରିକି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇରେ ଅନେକ ବୀର ପିଲାଦିନୁ ଯୋଗ ଦେଇ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳ ପୁରସ୍କାର 2021 ଏବଂ 2022ର ବିଜେତାଙ୍କ ସହ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୁଝେ ପୁରା ଭରସା ହେ କି ଆପ ଅପନେ ପ୍ରୟାସୋ ମେ कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। देश अब अपने सपने पूरे करेगा तो उसके स्वर्णिम अध्याय में एक बड़ी भूमिका आप सभी साथियों की भी होगी। इसी विश्वास के साथ मैं सभी मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद करते हुए, आप सब नौजवान साथियों ने अपने अपने जिले में जो मेहनत की है, जो परिणाम लाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 2021 32 जन एवं 2022 29 जन विजेता सह प्रधानमंत्री वार्तालाप करते। नव उद्भावन, समाज सेवा, शैक्षिक अवदान, क्रीड़ा, कला, संस्कृति एवं साहसिकता, यही 6 विभाग में अन्य मानक उदाहरण सृष्टि कर 5-18 वर्षर पिलामानक सह कथा होई बेस खुशी व्यक्त करथिले प्रधानमंत्री। एबे देश दुनिया खूब द्रुत बेगरे बदली चली, भारत मध्य एथिरे निजकु सामिल करछि। एहार परिवर्तन सह निजकु जोडिया पई पिलामानकु प्रधानमंत्री आह्वान देथिले। आप सब नौजवान साथियों ने अपने अपने जिले में जो मेहनत की है, जो परिणाम लाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज मैंने एक सामने 26 जनवरी है, उस काम का भी प्रेशर होता है, जिला अधिकारियों को ज्यादा प्रेशर होता है। कोरोना का पिछले 2 साल से आप लड़ाई के मैदान में अग्रिम पंक्ति में हैं, और ऐसे में शनिवार के दिन आप सबके साथ बैठने का थोड़ा ही ज्यादा कष्ट तो दे ही रहा हूं मैं आपको, लेकिन फिर भी जिस उमंग और उत्साह के साथ आज आप सब जुड़े हैं, मेरे लिए खुशी की बात है। ए अवसर रे भारत एबे किपरी विश्वर विभिन्न क्षेत्र रे निजर प्रभाव विस्तार करि परिछि से बाबद रे उल्लेख करि भाग नैथिबा पिला मानंकर मनोबल बढ़ाइथिले। एबे थारु देश को प्रत्येक क्षेत्र रे आत्मनिर्भरशील करबा दिगरे मध्य पिला माने काम करबा उचित बोली परामर्श दैथिले प्रधानमंत्री। जब आप भारत में बनी चीजें खरीदेंगे तो क्या होने वाला है, एकदम से हमारा उत्पादन बढ़ने लग जाएगा, हर चीज में उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार के लिए नए अवसर बनेंगे, जब रोजगार बढ़ेंगे तो आपका जीवन भी आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का अभियान, हमारी युवा पीढ़ी आप सभी से जुड़ा हुआ है। 2022 पई बाल पुरस्कार विजेता मध्यरे थिले ओडिसा नवरंगपुरर 15 वर्षिया बनिता दास। नव उद्भावन विभाग रे से महाकाश रे एक क्षुद्र ग्रह आविष्कार करी बेस चर्चा रे रहितिले। एई अवसर रे प्रधानमंत्री चलित वर्ष प्रथम थर पई ब्लॉकचेन वैश्विक कौशल रे प्रस्तुत डिजिटल प्रमाणपत्र सह प्रत्येक विजेताकु 1,00,000 टंकार पुरस्कार राशि प्रदान करथिले। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।